बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्रणाम। प्यारे व्यूअर्स, में वेलकम करती हूँ आपका किचन विद आसिया में। तो समर जो सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है उसकी नेक्स्ट रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, खोया कुल्फी। 3 इंग्रेडिएंट से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 kg मिल्क, 5 tablespoons शुगर, खोया हसब जरूरत। इसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, मैं आई बटन पे मेंशन कर दूंगी बस। और इसके अलावा लिया है मैंने कोकोनट पाउडर और दरदरे कुटे हुए बादाम, ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। मेन हमारे इंग्रेडिएंट ये 3 हैं। तो बस चलते हैं इसको बनाने की तरफ। मैंने पैन में मिल्क डाल दिया है, साथ ही हम इसके अंदर शुगर डाल देंगे, बादाम। अब आपने इसको अच्छा सा पका लेना है, खोए को मेल्ट होने देंगे जी। तो ये देखें, ये ठीक होना शुरू हो गया है। आपने चम्मच चलाते जाना है और इसको बिल्कुल ठीक इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो ये देखें, ये अच्छा खासा ठीक हो चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें। तो इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करती हूँ, उसके बाद हम इसको मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। चलें, ये हो गया ठंडा अच्छा सा। ये देखिए, अभी से ही खोए वाली कुल्फी की लुक आ रही है। तो कुल्फी साथ मैंने मोल्ड ले लिए हैं, इस तरह के इजीली बाजार से मिल जाते हैं। बस अब हम इसको करते हैं फिल। चले, ये हो गया। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ अच्छा सा। चले, ये हो गया। अब मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ, तो मिलते हैं सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। ओवरनाइट मैंने इसको फ्रीज करके रखा हुआ था और तैयार है मेरी बहुत ही मजेदार खोए मलाई वाली कुल्फी। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और इस रेसिपी को ट्राई करके इसका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना है। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल किचन विद आसिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।